एंड देयरफॉर सक्सेस सिर्फ चंद लोगों को ही मिलता है, क्योंकि चंद लोगों ने ही वो किया है जो उन्हें अच्छा, और पूरी कौम ने वो किया जो उन्हें अच्छा लगता है। तो 100 आदमी में 99 आदमी वो करता है जो उसे अच्छा लगता है, और फिर एक आदमी बैठ के रात को लिखता है जो उसे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे से लोग पूछते हैं, नहर साहब, ये जो लिखने पढ़ने का और जानने का और हार्डवर्क करने का ये जो आदत जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, तो क्या ये सक्सेसफुल लोगों को ये सब करने को अच्छा लगता है? नहीं, सक्सेसफुल लोगों को भी पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है। अनसक्सेसफुल लोगों को भी पढ़ना लिखना और जानना और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग जान चुके हैं कि जब जब मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तब तब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। और जब जब मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तब तब मुझे वो नहीं मिलेगा मुझे जो चाहिए। मुझे चाहिए घर, मुझे चाहिए कि मेरी बेटियां अमेरिका में जाके फैशन डिजाइनिंग पढ़े, मुझे चाहिए कि मैं बंगला लूं, मुझे चाहिए रोल्स रॉयस, तो मैं वो करता हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। लेकिन हर आदमी को बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो करता वही है जो उसे अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगने से रोल्स रॉयस मिलता था, तो गली का हर कुत्ता रोल्स रॉयस में घूमता था, गली का हर आदमी मर्सिडीज में घूमता था। फिर वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे भरा भरा नहीं जाते थे, ये जितने भी भर भर के जाते हैं ये लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। चढ़ते ही कई लोग सो जाते हैं, पकड़ के खड़े सोते हैं। हम तो उसके बीच में खड़े रह के रीडिंग कर रहे हैं कि भाई कुछ नॉलेज हो जावे। तो हम दादर और अंधेरी के बीच में हमने दो पेज पढ़ लिया, वो सो लिया, तो हम अंधेरी आने के पहले उससे ज्यादा ज्ञानी हो गए और वो वैसे ही रह गया। हम बाजू में ही खड़े थे, वो सो रहा था, मैं पढ़ रहा था। और ये बहाना क्या देता है? पकड़ने को मुश्किल होता है। तो मुश्किल काम जब करोगे तभी तो जाके वो मिलेगा जो तुम्हें अच्छा लगता है ना। सो योर फ्यूचर इज योर, आपका फ्यूचर आपकी आदतें हैं। तो बढ़िया फ्यूचर बनाना है तो बढ़िया आदत डालो, यानी सुबह उठो, पढ़ो, लिखो, झूठ मत बोलो, काम करो, रेगुलरली फोन करो, लिस्ट बनाओ, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, बीओपी अटेंड करो, मीटिंग में जाओ, सब कुछ करो जो तुम्हारा अपलाइन बोलता है। तुमको अपलाइन पसंद है या नहीं है, कंपनी पसंद है या नहीं है, प्रोडक्ट पसंद है या नहीं है, ये कोई महत्व ही नहीं है। तुम्हें वो करना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा फॉर्मूला सिंपल है, तुम क्यों लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हो? एंड देयरफॉर योर फ्यूचर इज योर हैबिट्स, आपकी फ्यूचर आपकी आदतें हैं। अगर सन 2000 में आपने वो आदतें डाल दी होती जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो 2015 में आप मर्सिडीज में घूमते। अब अगर 2015 में चालू करोगे तो 2020 में मर्सिडीज में घूमोगे। अब तुम तैयार, तुम डिसाइड करो, या तो तुम जाके अपने बीवी बच्चों को बोल दे, देखो हम लोग गरीब थे, हम गरीब है, और कसम भवानी की हम गरीब रहेंगे, अल्लाह कसम हम कुछ नहीं करेंगे, हम गरीब थे, हम गरीब है, और हम गरीब रहेंगे, और मैं सब कुछ करूंगा गरीब रहने के लिए। मेरे पास प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट है मेरे पास गरीब कैसा रहने का, मैं वो सब करूंगा कि ताकि हम ठीक है। तो जाके अपने बीवी को आज बोल दे कि तू जिंदगी में ताजमहल नहीं देख सकी, तू जिंदगी में पेरिस नहीं देख सकी, क्योंकि तेरी बदनसीबी है कि तू मेरे इस कुत्ते से शादी किया,
जो गरीब है, जो गरीब था और जो गरीब रहेगा, जा अपने बीवी को बोल दे तू मरते दम तक पेरिस नहीं देखेगी, जा आज अपने बच्चे लोग को बोल दे कि तुम्हारे सपने को मार डालो क्योंकि तुम्हारा पप्पा सिर्फ वही करेगा जो उसे अच्छा लगता है। देयरफॉर तुम्हें पप्पा बढ़िया सा एजुकेशन नहीं दे सकता, 4 बेडरूम हॉल किचन नहीं दे सकता, दुनिया की लग्जरीज नहीं दे सकता। तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि मेरे कोई सपने है नहीं, और अगर है तो मैं वो करने के लिए रेडी नहीं हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। देयरफॉर तुम मेरी बीवी और मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हारा मेरे साथ टाका बिड़ा है, बोल डालो, बोल डाल शाम को जाके। कितने लोग बोलेंगे हाथ ऊपर करो, इसने हाथ ऊपर किया, बोल डाल जाके। अपने माँ को बोल कि मम्मा आप ये 40 साल में ये मेरे साथ चाल में रही, आपका अंतिम संस्कार यही चाल में होगा। ये मेरा वादा है आपका बेटा नायर का कि आपका अंतिम संस्कार मैं इधर ही कराऊंगा। जा जाके बोल दे अपने माँ को, ताकि कोई उम्मीद ही ना रखे, आपके बीवी बच्चे माँ बाप और कौम आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रखे। जा जाके बता दे, नहीं तो वो करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी मैंने आदतें डाली, मैंने हमेशा सच बोला। मैं हमेशा अगर 31 तारीख को महीना चालू होता है तो मैं 1 तारीख को ही काम चालू कर देता हूँ। डे 1 से मैं काम चालू करूंगा। मैं 15 तारीख को काम नहीं चालू करूंगा, मैं 20 तारीख को काम नहीं चालू करूंगा। मैं रोज रीडिंग करता हूँ, एक घंटा रोज अच्छा सीडी देखता हूँ, बड़े बड़े महान गुरुओं का सीडी देखता हूँ। ये मेरी आदत है। और मैं हमेशा रोल मॉडल्स रखता हूँ कि मुझे इसके मार्फत बनना है, इसके मार्फत बनना है, और उनकी हरकतों को देखते रहता हूँ और उनकी चाल चलन को देखते रहता हूँ। वो क्या पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो रोल मॉडल के हिसाब से मैं काम करने को कोशिश करता हूँ। मेरी आदतें हैं कि मैं रोज सुबह 5:15 उठता हूँ, रात को 3 बजे सोया तो भी 5:15 उठता हूँ, रात को 10 बजे सोया तो भी 5:15 उठता हूँ। सोने का टाइम कुछ भी हो जाए, उठने का टाइम फिक्स है। हम में से कई लोग बोलते नहीं नहीं रात्रि उशिरा आला, 1:30 आला, म्हणूनच आज 5:15 नहीं 8:15 को उठेंगे। वो कोई भी कर सकता है, वो गधे लोग होते। कि मैं देखो आज जो बातें कर रहा हूं खाली सक्सेसफुल होने के लिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें सक्सेसफुल अगर होना है तो ये सब करना है। जरूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूं वो करो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो सचमुच में बड़ा बनना चाहते हो। मैं जब सेल्समैन था तो मेरा पहला कॉल, मैं ग्रैंड रोड में जाता था मेरा टेरिटरी में, मेरे दोस्त लोग सब 11 बजे जितेंद्र धनोरिया वो 11 बजे काम चालू करते थे। मेरे कलीग्स जितने थे यूरेका में, मुझे मेरे बॉस ने बोला था कि जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं एक सेल्समैन के लाइफ में, 3 doors, डोर ऑफ योर होम, घर का दरवाजा जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, डोर ऑफ योर ऑफिस, ऑफिस का जो दरवाजा अवॉइड करो जितना, और डोर ऑफ कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ। तो मेरे मन में ये बात बैठ गया कि मुझे कस्टमर के दरवाजे पे रहना है, कस्टमर के पास जाना है। तो मैं 6:45 में पहला कस्टमर को मिलता था। तुम लोग जब सुबह उठते हैं या उठने मतलब 7:30 उठते हैं, वो टाइम तक मेरा 2 कॉल हो चुका होता है, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा एक सीक्रेट बात बताऊं, ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं है, छोटा टाइम में, मतलब है ना, आपको 10 साल ये करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर 1-2 साल कर दिया ना तो आपको आदत लग जाएगी, फिर आपको टेंशन ही नहीं। लेकिन तो क्या है, लंबा टाइम तक काम नहीं करेंगे। मैं बोलता एक छोटे पीरियड में इतना काम कर डालो, मतलब 2015-16 में इतना काम कर डालो कि 2016 से 2026 आप राज कर सकोगे। लेकिन 1 साल में वो करो जो आपने लाइफ में कभी नहीं किया। और ये बहुत जरूरी है,
यू नो मैं जॉगिंग करता हूँ रोज, मैं वॉकिंग करता हूँ रोज, मैं डेली कॉलिंग करता हूँ, मैं यू नो मैं जब सेल्समैन था तो 105 दरवाजे रोज नॉकिंग करता था, एक एक दरवाजे पे जाता था, ग्रैंड गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम संतोष नायर, लोग दरवाजा मुंह पे बंद कर देते थे, अगला दरवाजा है ना गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है, टडैंग दरवाजा बंद, अगला दरवाजा हेलो गुड मॉर्निंग माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग, कैन आई कम इन, टडैंग दरवाजा ऐसा। 105 दरवाजे में 95 लोग दरवाजा मुंह पे मारते थे और सिर्फ 10 जन थे जो अपने को एंट्री देते थे। मैं काम ही उन 10 लोगों के लिए कर रहा था लेकिन मुझे नहीं मालूम था। तो जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे को रिजेक्ट करे, फोन पे रिजेक्ट करे, दरवाजे पे रिजेक्ट करे, लेकिन रिजेक्ट कर करके रिजेक्ट होने की मैंने आदत डाली, तो रिजेक्शन लेने की मैंने आदत डाली। बहुत जन को रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता, अरे सक्सेस के लिए रिजेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो जहां पर भी गया रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला, तो रिजेक्शन की आदत हो गई। फिर उससे मैं कतराता नहीं था, घबराता नहीं था, किसी ने फोन बैंक कर दिया, किसी ने दरवाजे से भगा दिया, किसी ने कॉलोनी से भगा दिया, कोई सिक्योरिटी वाले ने एंट्री मारने नहीं दिया, मेरे को अच्छा लगता था क्योंकि इन सब के बावजूद भी एकाध आदमी मिल ही जाता था जो मेरे जीवन का मेरा लाइफ बनाने वाला था। वो 105 दरवाजे में से 3-4 लोग है जो तुम्हारा करियर और लाइफ बनाएगा। तो रोज जुड़ाते रहो, आदमी लोग को जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, फिर उसमें से 100 में से 2-3 जन तुम्हारा करियर बनाएगा। लेकिन तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा वो 3 आदमी कौन है, इसके लिए 100 को जुड़ाते रहो, 100 को जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, 3 आदमी तुम्हारे को डायमंड बनाएगा और 3 आदमी तुम्हें चेयरमैन बनाएगा और 3 आदमी तुम्हें एमरल्ड पहुंचाएगा। जो भी है वो 2 ही और 3 ही आदमी है 100 में से, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो कौन है। तो तुम जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, रोज जाओ सुबह से लेकर रात तक लोगों को जुड़ाते रहो, कभी BOP के थ्रू, कभी 1-to-1, 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 जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो कहने का मतलब है, मैं रोज एक जन को बेचता था, मैं रोज एक जन को बेचता था और मैंने कसम खाया था कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं एक वैक्यूम क्लीनर नहीं बेचूंगा। मुझे याद है हर महीने में मैं एक दिन, हर दिन मैं बेचता था, लेकिन 10th April 1986 सुबह से लेकर रात तक काम करने के बावजूद भी 12:15 हो गया, रात को सेल नहीं हुआ। और हमने तो अपने आप से वादा किया था कि सेल नहीं हुआ तो घर नहीं जाएंगे। 12:15 बज गया, 12:05 बज गया, ग्रैंड रोड ईस्ट में A1 रेस्टोरेंट के नीचे हम खड़े हैं। 12 बजने के करीब एक लाइट दिखा सेकेंड फ्लोर में, वही बिल्डिंग में। पहले देखा तो लाइट नहीं था, क्योंकि अपना एक पॉलिसी है लाइट दिखा तो घुस जाओ। अब उसको अच्छा नहीं लगता रहेगा लेकिन अपने को अच्छा लगता है। तो मैं पहुंच गया उधर 12 बजे, लाइट देखा, हो सकता है सुसु करने के लिए उठा होगा बेचारा रात को, लेकिन उसे वो टाइम पे उठना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर उठा तो माल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी नजर उस पर पड़ गई ना, मेरी नजर की रेडियस उस पर पड़ गई, चिंता है। तो मैं पहुंच गया सेकंड फ्लोर में, मैंने लॉक किया दरवाजा और मैंने कहा, गुड इवनिंग सर माय नेम इज संतोष नायर, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है जिससे कि आपका पूरा घर का साफ सफाई हो सकता है। तो उसने मेरे को देखा एकदम अचरज में, कहा जेंटलमैन इट इज मिडनाइट, आधी रात हो गई। मैं बोला करेक्ट है सर, अंदर आऊं। अब मैं समझ गया कि वो मेरे को क्या समझा रहा था, वो क्या समझा रहा था, आधी रात हो गई है, कोई टाइम है नॉकिंग करने। लेकिन मैं वो नहीं समझना चाहता हूं जो मेरे को समझने का नहीं है, मैं वो समझना चाहता हूं। वो बोला आधी रात है, मैं बोला करेक्ट है, इसमें कोई शंका ही नहीं है, आधी रात है। वो बोला जेंटलमैन आधी रात हो गई, मैं बोला हां सर, आऊं क्या? क्योंकि मेरे पास बेशर्मी का डिग्री है, PhD। और मैं बेशरम बन बन के अब
मैं बेशर्मी का डिग्री लेके बैठा हूँ, मुझे किसी चीज़ से शर्म नहीं आती है, क्योंकि तू मेरे को रिजेक्ट करेगा, तू मेरे को फटकाएगा, तू मेरे को धुतकारेगा, लेकिन बाद में तू मेरे को चेक देगा। ये मेरे को मालूम है, हर मोहब्बत की शुरुआत ना से ही होती है। तो हर आदमी ना बोलेगा, नहीं मेरे को जुटने का नहीं है, जुटने का नहीं है, जुटने का नहीं है, मेरे को जुटने का नहीं। अबे तेरे को नहीं पूछ रहा हूं जुटने का नहीं, मेरे को जुड़ाने का है ना। लेकिन तू कौन होता है ये सोचने वाला कि तेरे को जुटने का है कि नहीं, मेरे को जुड़ाने का है। चुपचाप जुड़ जा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर तू जुड़ गया 6-7 महीने में तू सिल्वर, डायमंड, तू रूबी, एमरल्ड हो जाएगा। और जब तेरा फिर वो जाइलो और तेरा स्कॉर्पियो और जब तेरा स्कोडा आएगा तब तू मेरे को सलाम मारेगा। आज तू मेरे को कुत्ते की माफ़ ट्रीट करेगा, बाद में तू सलाम मारेगा। ये मैंने पूरा मैप देख लिया है। एंड देयरफॉर आज तू मेरे को रिजेक्ट करेगा, मेरे को ठेंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कसम तेरी और तेरे बच्चों की, तेरे को जुड़वा के रहेंगे। तो कई लोगों के घर में जाके मेरे को मैं बोलता था, सर कसम से मैं बोलता हूं आपको माल नहीं बेचाना, आपकी वाइफ की कसम मैं यहां से जाऊंगा नहीं। वो बोलता ऐसा कैसा तुम बोलता है, मेरी वाइफ की कसम, उसको कुछ हो जाए। मैं बोला फिर नहीं होने का तो चुपचाप खरीद लो, और क्या है। क्योंकि मैं जानता हूं, अरे किसी को नहीं चाहिए मेरी ट्रेनिंग, मेरे को देने का है ना। लेकिन तेरे को नहीं चाहिए मेरी ट्रेनिंग, लेकिन मेरे को देने का है ना। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा ट्रेनिंग लेने के बाद जब तू मालामाल बनेगा तब तू बोलेगा अच्छा हो गया, कुत्ते का ट्रेनिंग अटेंड किया। आज तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं रहेगा तो अविश्वासी तू, तेरे को मैं जुड़ाऊंगा, तेरे को ट्रेन करूंगा, अपग्रेड करूंगा, अपडेट करूंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, रस्ते पे लेके जाऊंगा, मीटिंग कैसा लेने का बताऊंगा, तेरे पे जान लगाऊंगा, तेरे को जितवाऊंगा, तेरे सपने को पूरा कराऊंगा, तब जाके तू मेरे को मानेगा। ये बात मेरे को मालूम है। देयरफॉर आज जबरदस्ती करना पड़े तो कर लूंगा, तेरी कसम, जुड़वा के तो जाऊंगा तेरे को। और इस तरह का जब विश्वास आप सामने दिखाते हैं, जो भी जब किसी को भी मिलने जाते हो तो आपका जो विश्वास है ना उस पे वो फिदा होता है, आपके घबराहट पे वो फिदा नहीं होता है, आपके अविश्वास पे वो फिदा नहीं होता, आपके विश्वास पे वो फिदा होता है। तो आप वो विश्वास दिखाओ, अंदर से फटा रहेगा अपना वो अलग बात है कि वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, क्या करेगा वो तेरे को। मतलब तू दरवाजे पे 12 बजे नॉक करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा वो तेरे को, तेरे को अंदर लेके जाके बाथरूम में बंद करेगा, बैठा रहने का उधर। अपन उसने बोला रात को कि अंदर आ जा, बाथरूम में बंद कर दिया तेरे को, 4 घंटा तू अंदर बैठने का, भगवान से प्रे करने का कि वो सुबह तक खोले ही नहीं, क्योंकि रात भर वो सोचेगा मैंने बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया। वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए बेचारा आया था, सोचता हूँ 3 ही ले लूँ करके, और ऐसा वो 3 लेगा अगर तेरे को बाथरूम में बंद किया। मैं तो बंद होने के लिए आया ही हूँ, तू बंद कर, तू मेरे को जो मनता कर, लेकिन मेरे को चेक दे और माल ले। तो मैं तो एक बेचूंगा। और वो रात जब मैं उसको नॉक किया और उसको प्रेजेंटेशन दिया, उसने कहा आधी रात हो गया, क्या कर रहे हैं आप। तो फिर वो, मैं बोला सर कह रहे हैं कम इन, तो मेरे को बोलता अच्छा ठीक है, आप जानबूझ के बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। मैं बोला 2 बातें हैं सर, एक मेरे को लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना है, दूसरा मेरे को बहुत पैसा कमाना है। तो बोलता अंदर आ जा, बोलता है रात को 12 बजे। डायलॉग अच्छा लगा उसको कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है और मैंने कसम, मैंने बोला उसको, एक मेरे को पैसा कमाना, दूसरा मेरे को बड़ा आदमी बनना है, और तीसरा मैंने सर कसम खाया था मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक एक बेचूंगा नहीं। बोलता आ जा अंदर, मतलब डायलॉग में दम रहेगा ना तो रात को 12 बजे भी आदमी फिदा हो सकता है। अब वो उठा क्यों था, क्योंकि बॉम्बे महाबलेश्वर उसका बस चलता था और वो बस का मालिक था, उसका 3-4 बस था। तो रोज रात को 10 बजे उसका बस आता था मरीन ड्राइव में, और वो गल्ला कलेक्ट करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए मालिक जाता था।
लेकिन आज वो बसे में एक बस में कुछ एक्सल बिक्सल टूट गया था, देयरफॉर वो लेट होने वाला था वो बस, और इसीलिए वो आदमी रात को 12 बजे उठा क्योंकि 1:30 बजे बस आने वाला था। तो मैं वहां पर नॉकिंग किया, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दिया, फिदा हो गया, बोलता 4 वैक्यूम क्लीनर लूंगा, मेरे 4 बस है, ये जो सिंग वेफर कुरमुरा वगैरह डालते हैं लोग बस के अंदर, लग्जरी बस के अंदर, ये तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर उठा लेगा। मैं बोला साला उठा लेगा, कोई टेंशन नहीं। बोलते चलेगा मेरे साथ प्रेजेंटेशन देने के लिए, मरीन ड्राइव पे मेरा बस आ रहा है, चलेगा मेरा? मतलब पक्का चले, मेरे तो घर ही नहीं, क्योंकि जब तक है ना मेरा है ना प्रॉब्लम है ना, मेरे को मेंटल प्रॉब्लम मेंटल, जब तक एक नहीं बेचता ना तो मैं किधर रहता हूँ, मैं गजनी रहता हूँ, गजनी, मेरे को घर किधर है, मेरा कोई माँ है, मेरा कोई बाप है, मेरा कोई बच्चा है, बीवी, मेरे को का ही कड़त नहीं। माल बिकर रोकड़ आया, माँ तू किधर है, फिर मेरे को अंधेरी याद आता है, तब तक मेरे को अंधेरी कैसा जाने का ग्रैंड रोड से, माला का ही कड़त नहीं, काही तरी वेड लागलेला असतं माला, जब तक माल नहीं बिकेगा तब तक घर नहीं जाता था। और जब मैं रात को उधर गया 1:30 बजे उसके साथ, उसके व्हाइट कलर के एम्बेसडर में, और रात को हम लोग 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, 3:30 बज गया, बस दिखता ही नहीं। 3:30 बजे के करीब 4 में से 2 बस आए और मेरे को बोला चल चढ़ जा उसके ऊपर और तेरा वो लगा के तू दिखा मेरे को कैसा क्लीनिंग होता है। मैं चढ़ गया और मैंने प्लग बिग लगाया। जनरली एक वैक्यूम क्लीनर में अच्छा आवाज आता है, जब आप लगाएंगे उसको चालू करेंगे ऐसा आवाज आता है, सक्शन। वो दिन मैंने लगाया, आवाज आया, बैटरी का प्रॉब्लम था गाड़ी में, मेरा मशीन चला नहीं, डेमो फेल हो गया। मेरे को आदमी बोला देखो मैं काय करूँ शकत नहीं, कारण मैंने तो देखा नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं सर, मेरा फेल हो गया मशीन, मैं चलता हूँ। मेरे को बोलता मैं तेरे को किधर छोड़ूँ क्या, मैं तो अभी घर ही जा रहा हूँ। तो मैं बोला आप मेरे को महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे छोड़ दो। तो रात को मेरे को 4:45 में उसने मेरे को महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे छोड़ा। महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन 4:30 बजे अभी सूर्यास्त शुरू होगी तो वो अंधेरी की तरफ जाएगी जो मेरा घर है, और एक ग्रैंड रोड की तरफ जाएगी जो मेरा टेरिटरी है। मैं ग्रैंड रोड के साइड वाले में गया, टेरिटरी में गया, सुबह मैं पहुंच गया वहां पर 5 बजे करीब। वो मिल वर्कर लोग का एरिया था, वो एरिया में बहुत सारे मिल वर्कर लोग सुबह सुबह 6 बजे का ड्यूटी के लिए जाते थे, तो वहाँ पर छोटे छोटे दुकान और छोटे छोटे होटल खुले रहते थे। वहाँ गया, एक ब्रश लिया, एक पेस्ट लिया छोटा सा, उसी में ब्रश पेस्ट किया, थोड़ा सा मुंह वगैरह धोया और वही कपड़ों में जाके अपना टेरिटरी में 7:15 बजे नॉकिंग करने को चालू किया। 12 बजे के पहले 3 वैक्यूम क्लीनर बेचा, ऑफिस में गया, 1:30 बजे पेमेंट डाला, फिर घर में आया, लेकिन घर नहीं गया कल रात को क्योंकि मैंने एक बेचा नहीं था। तो ऐसा मैं अपने आप को पनिश करता था, माल नहीं बेचा तो तू घर नहीं जा सकता ना, ऐसा पनिशमेंट देता था। ऐसा पनिशमेंट दे देके पनिशमेंट देने की आदत लग गई और पनिशमेंट से घबरा के मैं काम करने को चालू किया क्योंकि मेरे को डर लगता था कि रोज को कैसे घर नहीं जाऊं। तो इसलिए अगले दिन से मैंने कार्यक्रम, क्योंकि उसके पहले वाले दिनों तक मैं क्या करता था, रात होने के पहले एक वैक्यूम क्लीनर बेचता था, लेकिन वो रात के इंसिडेंट के बाद मैंने बोला अभी रात तक नहीं रुकेंगे। अगला दिन से मैंने सुबह 12 बजे के पहले एक वैक्यूम क्लीनर बेचने का कसम खाया और उन दिनों में 12 के पहले सुबह सुबह एक वैक्यूम क्लीनर बेच देता था ताकि टेंशन खत्म, तो घर जाने का मौका मिलेगा। इस तरह का टफनेस आप में होना चाहिए, असाधारण सोच और असाधारण काम से ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। साधारण सोच और साधारण काम से अगर आगे बढ़ जाता तो गली में हर आदमी सक्सेसफुल हो जाता। तो ये फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल है, करने वाले करते हैं, ना करने वाले नहीं करते हैं। हमेशा पिछले महीने से ज्यादा कमाया और पिछले महीने से ज्यादा किया, ये एक आदत डाली। तो लास्ट महीने में अगर 50,000 कमाया तो ये महीने में 51,000 रुपया कमाऊंगा, लेकिन 49,000 नहीं कमाऊंगा। ये पॉलिसी है लाइफ का और उसके लिए जो जो करना है करो। मतलब 50,000 एक रुपया कमाऊंगा लेकिन 50,000 नहीं कमाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वो लास्ट महीने में कमा लिया। तो ये एक आदत डाली। 30 दिन का काम जो था मेरा एज ए मैनेजर या सेल्समैन, मैं 15 दिन में कर, हर वो काम जो हर इंडिया में हर आदमी 15 दिन में, मतलब एक महीने में जो करता था वो मैं 15 दिन में करता था। ये मेरी एक दूसरी आदत डाली मैंने। और जब मेरा तबीयत खराब रहता था ना उन दिनों में मैं काम करता था, जैसा बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, गले में दर्द है, ये है, ओ दिन लूज मोशन है, 2 गोली मार के इमोसेक मार के
अपन काम करते थे। तो क्या हो गया, बॉडी को दो चीजें हो गई। एक तो बॉडी को समझ में आ गया कुत्ता आराम नहीं देगा, मतलब बुखार हो गया तो यू नो मेरे को फीवर ही नहीं आता था, फीवर को शर्म आता था। वो बोलता है इसके बॉडी में जाएगा, ये इज्जत नहीं देता। जिस दूसरे को फीवर होता तो बेचारा लेटता जाता है, बेड पे सो जाता है, तो बहुत फीवर को इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है। ये कुत्ते के पास रहेगा, वो क्रोसिन मार के चला जाता है। तो फीवर भी बोलता है इसके बॉडी में नहीं जाने का, चलो MLM के दूसरे लोगों की बॉडी पे जाते। तो मैं तो बीमार रहने पे भी काम आज भी करता हूं, क्योंकि मैं बीमारी के टाइम पे भी काम कर सकता हूं। ये मैंने अपने बॉडी को वैसा बनाया। सो यू नो, और लास्ट में अगर 16वां नंबर देखेंगे, मैं कभी बहाने नहीं देता, बिकॉज मेरे को मालूम है जो कंप्लेन करते हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते, और जो क्रिएट करते हैं वो कंप्लेन करते हैं। मैं कभी कंप्लेन नहीं करता हूं, कोई भी चीज पे मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। मुझे जीतना है, और जीतने वाले कंप्लेन नहीं करते। कंपनी के बारे में कंप्लेन नहीं करूंगा, नेटवर्क के बारे में कंप्लेन नहीं करूंगा, डाउनलाइन के बारे में कंप्लेन नहीं करूंगा, माँ का कंप्लेन नहीं करूंगा, नसीब का कंप्लेन नहीं करूंगा, मीटिंग का कंप्लेन नहीं करूंगा, अपलाइन के बारे में कंप्लेन नहीं करूंगा, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जीतना है। हर हाल में हर काल में मुझे जीतना है, हर काल में हर हाल में मुझे जीतना है। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, ना मैं रोडों की कंप्लेन करूंगा, ना गवर्नमेंट का कंप्लेन करूंगा, ना कंपनी का कंप्लेन करूंगा, ना प्रोडक्ट का कंप्लेन करूंगा। कल को कमीशन आधा हो गया तो भी कंप्लेन नहीं करूंगा, कल को कमीशन पाव हो गया तो भी कंप्लेन नहीं करूंगा, कल को अगर कमीशन 2 महीना लेट हो गया, कंपनी ने 2 महीना लेट किया तो भी मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। मुझे तो काम करते रहना है विश्वास के साथ, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। क्योंकि आप जो भी कुछ है आपकी आदत की वजह से। Are you with me? Yes. तो अगर मैं कंप्लेनर रहा होता तो कंप्लेन करने के लिए तो 1000 चीज है, मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता था। अब मैं वहां अभी बैठा था मर्सिडीज में, मस्त ठंडा हवा चल रहा था, मैं बैठा, सडनली ऐसा ना जैसे अर्थक्वेक होता है ना, भूचाल आता है अर्थक्वेक, ऐसा ना मर्सिडीज हिलने चालू हो गए। तो मैं बोला भूचाल आ गया, तो मैं दरवाजा खोल के बाहर आया तो बाहर तो सब एकदम फिट था। फिर मैंने अपना वो मर्सिडीज का स्क्रीन पे देखा, उसमें दिखा रहा है ABS फेल, ये फेल, यू नो पावर स्टेयरिंग फेल। तो वहाँ मशीन मेरा खराब हो गया। मैंने ऐसे मशीन को देखा, मैंने अच्छा ठीक है, बाहर आया, मैंने किरण को फ़ोन किया, मैंने देख बंद हो गया अपना मर्सिडीज, मालूम नहीं ऐसा कैसा हो गया, पहली बार तो देख ले। वहाँ से महेंद्र भाई अपना दूसरा ड्राइवर को फ़ोन किया, मतलब दूसरा गाड़ी लेके आना, फोर्ड जो भी है अपने पास लेके आना। और मैं अपना पढ़ाई चालू किया, मैं भूल ही गया, मैं तो भूल ही गया, अल्टरनेट अरेंजमेंट कर दिया। मैं अपसेट भी नहीं हुआ, एंग्री भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, अभी क्यों हुआ, ये अभी प्रोग्राम चालू होने के पहले हुआ, ये अभी तो आजकल रोज ही हो रहा है, अभी तो रेगुलरली हो रहा है, लगता मेरा नसीब खराब, लगता शनि भगवान आ गया, ये है वो है, टाइम नहीं है बॉस, कंप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। I want to go ahead, मुझे आगे बढ़ना है। So my dear friends, और मैं कभी भी लाइफ में, एक और मेरी आदत है, खाली परफॉर्मर्स के संगत में रहता हूँ। जो परफॉर्म नहीं करते ना उनके संगत में नहीं रहता, जो रोते रहते हैं ना उनके संगत में रहता हूँ। क्योंकि रोने वाले के संगत में रहेगा ना, काय होनार नहीं, अपना काय है नहीं, ने ते नहीं, ये जो है ना रोते रहते हैं ना आइटम, इसके संगत में नहीं रहना। तुम्हारी सगी बहन रहेगा ना उसको छोड़ दो तुम, तुम्हारा भाई रहेगा छोड़ दो, तुम्हारा बाप कंप्लेनर तो घर छोड़ दो, नीचे रहना, टेरेस में रहना, बाप के साथ नहीं रहना, क्योंकि आइटम खराब है। कंप्लेनर्स के साथ नहीं रहना और नॉन परफॉर्मर्स के साथ नहीं रहना, हमेशा परफॉर्मर के साथ रहना, ऑल द टाइम रिमेन विद द परफॉर्मर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज नॉन परफॉर्मर्स को अपने को खलास करने की ताकत रहती है। जो काम नहीं कर रहा है, जो काम चोरी कर रहा है, जो हेरा फेरी कर रहा है, जो टोपी लगा रहा है, उनके संगत में नहीं रहना। तुम्हारा बचपन का यार रहेगा, बीच बीच में महीने में एक बार मिल लेना, लेकिन उसके संगत में रहना नहीं। ये सब आदतें हैं, और ऐसे मेरे पास 518 आदतें हैं। प्रोटेक्ट करके रखा हूं मैंने अपने आप को,
बचा के रखा हूं मैंने अपने आप को अच्छी आदतों से। 518 है मेरे पास। कपड़े मस्त डालने का, घर में भी मेरे को देखो तुम मेरे को घर में देखोगे ना ऐसा लगता है अभी मेरा शादी होने वाला है। मस्त हो जाओ ना, हमारे में मुंड बोलते हैं, तुम मराठी में धोती बोलते हैं, मुंड एकदम वो जो जरी वाला है ना, एकदम गोल्डन जरी, एक एक 7-8, 8-8, 10-10 हज़ार का रहता है, और वो भी फ्रेश नया रोज पहनेगा, मस्त कुर्ता के साथ बैठेगा फ्रेश, एक दिन में एक ही बार पहनेगा वो, अगला दिन नहीं पहनेगा। घर में भी एकदम टिच, बाहर भी एकदम टिच, आईने में देखा तो लगना चाहिए कोई आइटम खड़ा है। तो मैं कई कई इंसानों को देता, घर में ऐसे फालतू लुंगी फटा हुआ चड्डी में चार होल, और वो लड़की लोग और लेडीज लोग कैसा हो नाइटी और क्या बोलते हैं उसको, वो एकदम एकदम फालतू कपड़े डाल के आइया, अरे घर में भी ऐसा टिच होके खड़ा रहने का। मैं हमेशा बोलता हूं कपड़े ऐसे पहनो रोज जैसे कि तुम्हारा शादी होने वाला है, श्रृंगार करो, ये करो, वो करो, एकदम बढ़िया रखने, क्योंकि जब आप आईने में अपने आप को हर क्षण देखते हैं और यू फील दैट यू आर अ पावरफुल पर्सन, तो आपका सोच, आपका बोली, आपका कम्युनिकेशन वैसा बन जाता है। तो कपड़ों पे बहुत इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब बाहर की खूबसूरती पे भी इन्वेस्ट करने का, इस पे भी इन्वेस्ट करने का, इस पे भी इन्वेस्ट करने का, इस पे, लेकिन ये तो बाहर की खूबसूरती, मेन तो इस पे भी इन्वेस्ट, नहीं तो 5 लाख का कोट पहना मुंह खोला तो आठ आने वाली बात हो गई। तो अंदर की भी मसाला बिल्ड करना चाहिए इस तरह से। और हमने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया, मतलब जब तक, मतलब नींद को कट किया हमने, नींद को कट किया, 4 घंटे ही सोता हूं मैं, 4 घंटे ही सोता हूं, महात्मा गांधी 2 घंटा सोता हूं, मेरे से बड़ा आदमी था, 2 घंटा सोता था, अपन 4 घंटे ही सोता हूं, क्योंकि काम बहुत है करने के लिए। तो नींद को सेक्रीफाइस किया, यू नो, गलत दोस्तों को सेक्रीफाइस किया, फैमिली के काफी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, ट्रैवल करता रहा, और इन सेक्रीफाइस की वजह से आज ये सब रिटर्न मिला है। यू नो, ये सब रिटर्न, आज जितने भी लोग हैं, आज 19 घंटा काम करता हूं मुकेश अंबानी, 19 घंटा, जबकि 500 जन्म तक उसको काम करने की जरूरत नहीं, 500 पीढ़ी तक, अपना इधर अगला साल क्या होएगा अपने को मालूम नहीं, और अब सांड के वापस सोए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग 19 घंटा, और जो पैसे वाले ना बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, गरीब लोग करते ही नहीं, ये रेशियो है लाइफ का। और वो जो बीच वाला रहता है ना मिडिल क्लास, वो तो फंस ही गया है, उसको मालूम भी नहीं है कि मुकेश अंबानी बनने के कि चाल में जाने का है, तो बीच में अटक गया बेचारा।